जम्मू कश्मीर में रमजान सीज फायर खत्म होने के बाद सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। कुपवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच एक मुठभेड़ आज हुई है। इस ऑपरेशन में सेना ने एक आतंकी को मार गिराया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने वित्त मंत्रालय में सचिव हसमुख अधिया पर सीधा हमला बोला है। शुक्रवार सुबह ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा कि वित्त सचिव अधिया के लिए एक बड़ी कामयाबी है। एक तरफ पूरी दुनिया का स्विस बैंक में डिपॉजिट सिर्फ 3% बढ़ा है तो भारतीयों का 50% बढ़ गया है। टूरिस्टों के मनपसंद जगह मनाली लेह हाईवे पर शुक्रवार सुबह लैंडस्लाइडिंग हुई है, जिसके कारण यहां रास्ते बंद कर दिए हैं। लैंडस्लाइडिंग के कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 2019 के चुनाव अभियान के तहत बीजेपी उत्तर प्रदेश में हर महीने पीएम नरेंद्र मोदी की एक रैली कराने की तैयारी में है। संत कबीर नगर के बाद अगली रैली समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में होगी। ये रैली अगले महीने जुलाई में होगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस में प्रवक्ता पद के लिए टेस्ट हुआ है और 14 सवाल पूछे गए हैं। कांग्रेस की ओर से उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता बनने के लिए लिखित परीक्षा में पूछे गए थे सवाल। करीब 70 लोगों ने ये परीक्षा दी और ये परीक्षा गुरुवार को हुई थी। दाती महाराज के खिलाफ बलात्कार के मामले में एक गवाह ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराकर आरोप लगाया है कि उसे धमकी दी जा रही है। पुलिस ने बताया कि दाती के खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले में मुख्य गवाह सचिन जैन ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा है कि 23 जून को वह सोहना से परिवार के साथ लौट रहा था, तभी रास्ते में कुछ हथियारबंद लोगों ने उसे रोका और उसे धमकी दी। 2 साल पहले हुए सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार से सबूत मांग रही थी और अब कांग्रेस वीडियो जारी होने के बाद बैकफुट पर नजर आ रही है। मुंबई के घाटकोपर इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुए चार्टर्ड विमान की जांच फिलहाल शुरू हो गई है। डीजीसीए की एक टीम ने जांच में पाया कि 10 साल पहले आखिरी बार प्लेन को उड़ान के लिए निकाला गया था। फ्लाइंग सर्टिफिकेट भी इस प्लेन के पास नहीं था। संयुक्त मोर्चे का आगाज कराते हुए कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, बसपा, आम आदमी पार्टी, टीडीपी के शीर्ष नेता पिछले महीने बंगलुरु में कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे, लेकिन फिलहाल जनता दल यूनाइटेड के मुखिया एचडी देवगौड़ा ने कहा है कि ये जरूरी नहीं कि शपथ ग्रहण समारोह में जो शामिल हुए हैं वो सारे नेता लोकसभा में एक साथ चुनाव लड़ें। पटना एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा टल गया है। टेक ऑफ के दौरान एयर इंडिया के प्लेन से एक पक्षी टकराया था, जिसके बाद फिलहाल हादसा टल गया है। हाल के दिनों में पटना एयरपोर्ट पर बर्ड हीट की ये दूसरी बड़ी घटना है। इससे पहले 16 जून को भी पटना एयरपोर्ट पर ऐसी ही एक घटना सामने आई थी।